हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्निंग हब। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस पाइजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट, केवीएस, एनवीएस एग्जाम्स। सो स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू पाइजेट, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। पाइजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सुजेस्ट दैट चिल्ड्रन मूव थ्रू फोर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। पाइजेट के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन की चार स्टेजेस होती हैं मेंटल डेवलपमेंट की। सेंसरी मोटर स्टेज, जो बर्थ से 2 ईयर्स तक होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 ईयर से 7 ईयर तक होती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एज 7 से 11 तक। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 से लेके उसके बाद वाली एज को में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की डेवलपमेंट बोलते हैं। सो ये चार हैं, सेंसरी मोटर, बर्थ टू 2 ईयर्स, प्री ऑपरेशनल स्टेज, एज 2 से 7, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एजेस 7 to 11, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एजेस 12 एंड अप। तो आइए इनको डिटेल में देखते हैं। सो सेंसरी मोटर स्टेज, एज क्या है? बर्थ टू 2 ईयर तक की जो डेवलपमेंट होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज में आती है। पाइजेट ने जो मेंटल डेवलपमेंट को चार स्टेजेस में डिवाइड किया है, सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज और वो बर्थ से 2 ईयर तक होगी। द मेजर करेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस, इसमें इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या चेंजेस इस स्टेज में आती हैं। द इन्फेंट नोज द वर्ल्ड थ्रू देयर मूवमेंट्स एंड सेंसेशंस। चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्शंस सच एज ग्रास्पिंग, सकिंग, लुकिंग, लिसनिंग। इन्फेंट्स लर्न दैट थिंग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन दो दे कैन नॉट बी सीन। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। और इसमें क्या होता है? दे आर सेपरेट बीइंग्स फ्रॉम पीपल एंड ऑब्जेक्ट अराउंड देम। तो इस स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में, ये कुछ चेंजेस हैं जहाँ ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। और क्या होता है? इन्फेंट रियलाइज दैट देयर एक्शंस कैन कोज थिंग्स टू हैपन इन द वर्ल्ड अराउंड देम। सो दीज आर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या है? एज 2 to 7 ईयर है। मेजर करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं और कौन कौन से चेंजेस आते हैं इस स्टेज में? चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक सिंबोलिकली एंड लर्न टू यूज वर्ड्स एंड पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज टेंड टू बी ईगोसेंट्रिक एंड स्ट्रगल टू सी थिंग्स फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अदर्स। While they are getting better with language and thinking, they still tend to
थिंक अबाउट थिंग्स इन वेरी कंक्रीट टर्म्स। सो ये सिंपल सिंपल पॉइंट्स में सारी स्टेजेस एक्सप्लेन की हुई हैं। तो ये थी प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एज 7 to 11 इयर्स। मेजर करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं और कौन कौन से चेंजेस इस स्टेज में आते हैं? ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स। दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, दैट द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन ए शॉर्ट वाइड कप इज इक्वल टू डैट इन ए टॉल स्किनी ग्लास फॉर एग्जाम्पल। मतलब कंसेप्ट को समझना वो शुरू कर देते हैं और एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट को कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं। देयर थिंकिंग बिकम्स मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड बट स्टिल वेरी कॉन्क्रीट। चिल्ड्रन बिगिन यूजिंग इंडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू ए जनरल प्रिंसिपल। सो दीज आर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एजिज है 12 एंड अप। मेजर करेक्टरिस्टिक्स और कौन कौन से चेंजेस हैं इस स्टेज में? एट दिस स्टेज द एडोलसेंट और यंग अडल्ट बिगिन्स टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड रीजन अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स। अब्स्ट्रैक्ट थॉट अमर्जिस। टीन्स बिगिन टू थिंक मोर अबाउट मॉरल, फिलोसफिकल, एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज दैट रिक्वायर थोरेटिकल एंड अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। बिगिन टू यूज डिडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग फ्रॉम ए जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। सो दीज आर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा डिस्क्राइब्स बोथ द मेंटल एंड फिजिकल एक्शंस इन्वॉल्व्ड इन अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। स्कीमाज आर कैटेगरीज ऑफ नॉलेज दैट हेल्प अस टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। स्कीमा क्या है? किसी चीज के बारे में नॉलेज। इट इज़ ए कैटेगरी जिसकी हेल्प से हम वर्ल्ड को समझते हैं। स्कीमा में क्या आता है? बोथ मेंटल एंड फिजिकल एक्शंस जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को समझते हैं और नॉलेज गेन करते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। असिमिलेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इन्फॉर्मेशन इन टू आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज असिमिलेशन। मतलब हमारे माइंड में कोई स्कीमा है, हमारे माइंड में कोई नॉलेज है, उसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, उसको बोलते हैं असिमिलेशन। द प्रोसेस इज समवट सब्जेक्टिव बिकॉज वी टेंड टू मॉडिफाई एक्सपीरियंसिस
एंड इन्फॉर्मेशन स्लाइटली टू फिट इन विद आर प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ। जो हमारे पहले नॉलेज है, जो हमारा पहले से बिलीफ एग्जिस्ट करता है, उसमें हम कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हैं। असिमिलेशन बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल, सपोज करो ए चाइल्ड मे हैव ए स्कीमा अबाउट ए टाइप ऑफ एनिमल सच एज ए डॉग। चाइल्ड के माइंड में इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग डॉग। इफ द चाइल्ड्स सोल एक्सपीरियंस हैज बीन विद स्मॉल डॉग्स, ए चाइल्ड माइट बिलीव दैट ऑल डॉग्स आर स्मॉल फरी एंड हैव फोर लेग्स। द चाइल्ड के माइंड में डॉग्स के रिगार्डिंग स्कीमा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है डॉग्स के रिगार्डिंग, लेकिन चाइल्ड का एक्सपीरियंस ये है कि उसने सिर्फ स्मॉल डॉग्स ही देखे हैं। तो चाइल्ड के माइंड में एक स्कीमा बन जाएगा, वो सोचेगा कि उसके माइंड में अभी यही चल रहा है कि डॉग्स जो है वो स्मॉल है। सपोज देन दैट द चाइल्ड एनकाउंटर्स एन अनॉर्मस डॉग। तभी ये सोच लिया जाए कि चाइल्ड को एक बड़ा डॉग मिलता है। द चाइल्ड, फिर क्या हुआ, चाइल्ड ने वो नई इन्फॉर्मेशन ली कि डॉग्स बड़े भी होते हैं, और प्रीवियस नॉलेज को, प्रीवियस स्कीमा को उसने मॉडिफाई कर दिया, उसमें ऐड कर लिया, उसमें नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लिया। इसको बोलते हैं असिमिलेशन। इस वीडियो में हमने मेंटल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी हैं, और ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, स्कीमा, असिमिलेशन। दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर सीटेट एग्जाम। तो आई होप इट विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग योर एग्जाम। थैंक यू।